जाप किस ढंग नाल करना है, तरीका की है। एक दू जीबो लख होवे, लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा अखिए एक नाम जगदीश। इस रावपत पौड़ियां चढ़िए होए इकीस। परमात्मा दे दर दियां ये पौड़ियां ने केड़ियां, जबान नालो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु करी जा रटन करी जा रटन। और इस जबान तेरी उच्चारण कर दी जाए, कन तेरे सुन दे जान, सरवन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। गाउंदी जाए रसना वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, और सुन दे जान तेरे कन, बस तेरी सुरत चढ़दी जाएगी ना पौड़ियां ते चढ़दी जाएगी। एक दिन पहुंच जाएगा तू जगदीश दे स्थान ते। ए तरा पत पौड़ियां चढ़िए होए इकीस। जप सचदा करना है, जप रसना नाल करना है, कन्ना नाल सुनना है, और जप अमृत वेले करना है। अमृत वेला सच ना वड़े आई विचार, आनंद तक पहुंचने दा साधन है जप। ते जप सचदा करना है, जप अमृत वेले करना है, जप रसना नाल करना है। ते जपदिया जपदिया ये जप जो रसना नाल मनुख कर रहे है वस जांदा है प्राणा दे श्वासा दे। उसे जप नू फिर आख्या गया जाप। हुण जाप चल रहा है, हुण ते प्राणा च रम गया, हुण ते एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म नाम। दूजी बाणी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख दी झोली च जो पाई ओ जाप है। इशारा है अध्यात्मक मंडल दी एक स्टेज है, जप जाप बनना ही चाहिए। जो तू रसना नाल जप रहे हैं वो तेरे प्राणा दे च रमना चाहिए। दम दम सदा संभाल दा, दम ना बिरथा जाए। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने वाए बरनफ से के बेहुदा गुजस्त अलगयाज अज गफलते मां अलगयाज। ऐ मेरे पातशाह जिहड़ा दम तेरी याद तो बिना लंघ जाता है उस लंघे हुए दम का मैनू अफसोस बड़ा आंदा है। एवें चला गया, खाली चला गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान लबा लबे कुन दम ब दम नोशकुन गमे हर दो आलम फरामोशकुन। जफरनामा श्री मुखवाग पातशाही दसवीं। ऐ औरंगजेब लबा लबे कुन दम ब दम नोशकुन गमे हर दो आलम फरामोशकुन। ये जेडे दम ने इत्थे प्याले रब ने दिते ने, ते औरंगजेब तेरे सारे प्याले खाली ने, कुछ भी नहीं है तेरे प्यालियां च, कुछ भी नहीं है। इस वास्ते तेरे श्वास ज्यादा छणकदे ने। इन्हां श्वासां दे प्यालियां दे च खुदा दे नाम दा आबे हयात भर ले, अमृत भर ले। तेरे श्वास खाली ने, भर ले अमृत नाल। जप जदों जाप बन जांदा है तो ऐसा मनुख हर वक्त सजदे विच आउंदा है, नमस्कार दे च, सजदे दे च निर्माणता दी मूर्ति बन जांदा है, विनम्रता दा मुजस्मा बन जांदा है। हर वक्त झुकया झुकया नमस्कार, क्योंकि उसनू जाप द्वारा हर पासे प्रभु की छाप दिखाई देती है। हर चीज़ के उत्ते उन्हें दस्खत दिखाई देते हैं परमात्मा के, चाहे वह दरख्त ने, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, चाहे सूरज चंद तारे ने, सब के उत्ते उसको साइन दिखाई देते हैं, दस्तखत दिखाई देते हैं परमात्मा के, ईश्वर के। नमस्तं अकाले, नमस्तं कृपाले, नमस्तं अरूपे, नमस्तं अनूपे। नमस्कार ही नमस्कार सारे चंद तुसी पढ़ के देख लेना। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो अंधकारे। नमस्कार है ऐ अंधकार दे रूप, अंधेरे ते भी तेरे दस्खत ने, रोशनी दे ते भी तेरा हाथ है, सूरज दे च भी तू है, चंद्रमा दे उत्ते भी तेरी हस्तलिखत है। हे बनस्पति, हे अकाल, हे दयाल, नमो सर्व ज्ञाता, नमो सर्व ख्याता, हे विख्यात, हे ज्ञात प्रभु, नमस्कार है मेरे, मैं सजदे चां, सारे छंद सजदे च। जप जदों जाप बन जांदा है ऐसा मनुख निर्माणता दी मूर्ति बन जांदा है, सेवा दा मुजस्मा बन जांदा है, हाथ उस दे जुड़ जांदे रहे। मुख्तसर हुण अर्ज करां, जाप बैराग बन जांदा है। जप जाप, जाप बैराग। बैराग तो मुराद हुण संसार दे च कोई राग नहीं रहा, हुण पकड़ नहीं रही, हुण इस तरह बन गया जिवें पक्का नारियल,
खौल दे अंदर फलते पिया गिरी ती पई है, पर खौल नाल कोई संबंध नहीं, जिसम दे इस्ते पया जिसम नाल कोई संबंध नहीं, संसार दे इस्ते पया हाँ पर संसार नाल हुण पकड़ नहीं, कोई खिच नहीं, इस तरह पै जिवें पक्का नारियल। हुण जीवन दे च मौत दिखाई देण लग पई, हुण खिड़े हुए फुलां दे च मुरझाना भी दिखाई दे गया, बैराग पकड़ नहीं रही है। हुण दूजा पहलू भी दिखाई दे पिया, माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी बुजान के भूप बलि बिद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहाँ भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पदार। इते सब रुखसत होए, इते ते जो आया सो चल सी सब को आई वारी, बैराग पकड़ मिट गई, खिच खत्म हो गई। ऐसा जिड़ा बैरागी है वो संसार देच आशा देच निराश होके जीवंदा है, इच्छा ते कर लेंदा है ना पूरी होई कहिंदा प्रभु तेरी इच्छा, जो गुरु को अपनी इच्छा पुरानी पूरी करना चाहता है मेरी इच्छा पूरी होवे हर कीमत ते वो संसारी है, ते जिड़ी ए इच्छा रख के आया है कि हे गुरु जो तेरी इच्छा होवे उस नाल मैं राजी हो सका, ठीक है मैं इच्छा कीती सी नहीं पूरी हुई, तेरी इच्छा कोई हो रहा है ते तू हुण मैनू ताकत दे कि मैं तेरी इच्छा नाल सहमत हो, हुण मैं तेरी रजा दे च राजी हां, ये उसकी मंग आउंदी है। पर मैं अर्ज करा जो ये आखे नहीं मेरी इच्छा पूरी होवे ते एक पूरी भी हो गई हजार होर पैदा होणगियां। किस वक्त मैं एक उर्दू की रुबाई लिखी सी थोड़ा जिहा बचपन तो, एक कवि का हिरदा मिलिया मैनू उर्दू शायरी का शौक बचपन तो, एक मिसरा देख मस्कीन ये तेरी तदबीर की मैयत ना हो, एक जनाजा जा रहा था दोष पर तकदीर के, ये तकदीर दे कंधियां ते जिहड़ी लाश जा रही है वेख ते सही किधरे तेरी तदबीरां दा जनाजा ते नहीं, एक जनाजा जा रहा था दोष पर तकदीर के, दोष कंधे ये तकदीर दे कंधियां ते लाश वेख किधरे तेरी कामनावां दी लाश ते नहीं, ये तेरियां सोचां दी तेरी तदबीरां दी लाश ते नहीं रोज निकलती है, तो फिर किस ढंग नाल बंदा जीवे। हे गुरु जो तेरी इच्छा है मैनू ताकत दे कि मैं उसनू उस दे नाल राजी हो जावां, वो मैनू काबले कबूल होवे, वो मैनू प्रवान होवे, वो खिड़े मत्थे मैनू तस्लीम होवे। बैराग ऐसा बैरागी मनुख अंदरों हर वक्त अरदास करता है, अठे पैर वो प्रार्थना दे चाहुंदा है, उन्हों पता है हे प्रभु तेरी प्राप्ति मैं अपने यतन नाल नहीं कर सकता, प्रार्थना ते तेरी कृपा नाल ही कर सकता, अगर मेरे यतन नाल मेरे किसे कर्म नाल मैनू आनंद की प्राप्ति है तो उस आनंद का मुल है मेरा कर्म कीता होया कर्म, मैनू किसी भी किते हुए कर्म दे नाल परमात्मा मिल सकता है तो मेरा कीता होया कर्म उसका मुल है उसकी कीमत है, तो कीमत तो उसकी कुछ भी नहीं, कीमत पाए ना कहा जाए कहने वाले तेरे रह समाए, जगत दे कोई उसकी कीमत नहीं, ऐसे मुल नहीं रख सकते, फिर मेरी कीमत वड्डी होगी वो नहीं वड्डा, फिर मेरे कर्म वड्डे ने परमात्मा नहीं वड्डा। इस वास्ते गुरबाणी ने एक बड़ी कीमती गल कही है, विछड़े हैं तू अपने कर्मा करके, जुड़ेगा तू उसकी कृपा करके, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, जब तू कोई भी कर्म कर प्रार्थना पूर्वक कर, अगर कामना पूर्वक कीता तो कर्म तेनु खिंच के संसार नाल जोड़नगे, प्रार्थना पूर्वक कीता अरदास पूर्वक कीता तो वह कर्म तेनु निरंकार नाल जोड़नगे, क्योंकि कृपा की वर्षा होवेगी अनुकंपा होवेगी परमात्मा की करुणा बरसेगी तेरे ते। जब बैरागी हिरदे दे चों अरदास निकल दी है, अध्यात्मक मंडल की चौथी स्टेज है ते चौथी बाणी चौपाई है, सारी दी सारी अरदास है, हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तौ चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रित पारा, अरदास है। और यकीन जानो जिस बैरागी हिरदे चो अरदास निकलती है व्यर्थ नहीं जाती, कबूल होती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, जन दी अरदास दे च प्रार्थना होवेगी कामना नहीं, अरदास दे च जोदड़ी होवेगी मंग नहीं,
अरदास दे झुकना होवेगा, धनवाद होवेगा, शिकायत नहीं, शिकवा नहीं। एक ते है शिकवा करिए, एक है धनवाद करिए। एक ते हे प्रभु मेरी योग्यता ते कुछ भी नहीं सी, तू बहुत दिता, मेरी ते इतनी भी योग्यता नहीं सी, तू मैनू ये तन देंदा, ये भी तेरी कृपा। मेरी ते इतनी भी योग्यता नहीं सी कि हे गुरु हे परिपूर्ण परमात्मा कि तू मैनू इस तरह का माहौल देंदा कि मैं गुरु नानक की बाणी सुना, कलगीधर की बाणी सुना। मनुख की ये योग्यता है, बड़ी बख्शिश है उस अकाल पुरख की कि तेनों गुरु नानक जैसा रैबर मिले। अगर वाकई कोई अरदास होवेगी तो उस दे धनवाद होवेगा, लख लख शुकराना है अकाल पुरख, तू गुरु नानक जैसा रैबर दिता, कलगीधर दियां मेहरां दित्तियां, उन्हां दी बाणी दित्ती, ये मनुखा तन दिता, बहुत कुछ अणमंगया मिल रहा है, सूरज की रोशनी दित्ती, पवन दित्ती, पानी दिता, जीवन दिता, ज्ञान इंद्रे दिते, इतना कुछ दिता और बिना मंगया दिता है। तो जे इसे तरीके नाल बंदा धनवाद करता रहे तो बहुत कुछ झोली दे पै सकता है और इस दियाँ झोलियाँ भर सकदियां। बैरागी हिरदे चों अरदास जद निकलती है तो अरदास दे च मूल मंग की, तौ चरनन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिभा, तेरे चरणों च मेरा चित जुड़िया रहे, मेरी सुरत जुड़ी रहे। ये अरदास व्यर्थ नहीं जाती, कबूल हो जाती है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो आनंद ही परमात्मा है, जो परमात्मा है वह आनंद है, जो आनंद है वह अकाल पुरख है। और जैसे अरदास कबूल होती है मनुख की जबान चो बेसाख्ता निकलता है, आनंद भया मेरी माँ है, सतगुरु मैं पाया, हे माँ हुण ते आनंद की प्राप्ति हो गई, क्योंकि गुरु की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आनंद मनुख की मंजिल है, प्राणा की प्यास है, आदि की चाहत है, यदि पूर्ति का साधन है जप, पहुँचने का साधन है जप। जप जाप बन जाता है, जाप बैराग बन जाता है, बैराग अरदास बन जाती है, और अरदास ही आनंद बन जाता है। इतनी मैं अर्ज कर दें, अरदास ही आनंद की वर्षा कर देता है। सतगुरु रहमत करन, ये जो महान कीर्तन दरबार जिस दे राही हो रहा है उसका नाम मैं पढ़िया और सुनिया अमृत रस। ये कीर्तन अमृत तक पहुँचाने का थानू वसीला बने, सहायक बने, मददगार बने, और तुसी बैठ के अपनी सुरत नू अमृत तक ले जा सको। आनंद अमृत है, अमृत आनंद है, आनंद परमात्मा है, परमात्मा आनंद है, रस परमात्मा है, रस अमृत है। अनेकां इस दे नाम ने पहुँचने दे साधन, जिमें कुछ गुरमत दी छोटी जियां सूझ साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दित्ती, वो मैं आप जी के सामने रखी, फिर सारियां लई